ओके सो हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो हम कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करने वाले हैं जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, तो आज की इस वीडियो में भी करेंगे। एंड सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो है सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं आप सभी को। तो लिंक सबका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग को जब भी टाइम मिले आप जाके वहाँ पे देख चेकआउट कर लेना। बाकी कैसे, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। देन उसके बाद आप सभी को चले जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, मॉडल को ऐड करने के बाद जो आप सभी को पहले मॉडल को जहाँ फुल स्क्रीन करके आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे रख देना है। एंड यहाँ पे हाइट वगैरह जो आप ध्यान से देखना गाइस, जैसे मैं रख रहा हूँ आपको उसी टाइप से रखना है। देन आपको यहाँ पे जो अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट बना लेना है एंड उसको सेम साइज में आपको वैसे ही रख देना है। उसके बाद आप लोगों को करना है कि आप लोगों को चले जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे चले जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन लेना है, इसका अमाउंट जो है जीरो कर देना है, इसको मर्ज कर देना है। देन आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेकर मर्ज कर देना है, कलराइज में जाना है। एंड आपको यहाँ पे ह्यू चेंज करेगा, आपको उसको कर देना है येलो कलर। ऑरेंज कलर भी आप कर सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको एज ए टूल में जाकर इसको कन्वर्ट कर देना, ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग रख के ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना है। एंड फोटो को जूम करके आपको जो कुछ इस टाइप से रिम लाइट क्रिएट करनी है पूरी बॉडी में बैक साइड की तरफ, क्योंकि जो लाइट इफेक्ट जो पीछे से आ रहा है आपको पीछे की साइड में रखना है। देन उसके बाद आपको वहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है, यहाँ से जो है आप ब्लेंडिंग मोड रख सकते हो ओवरले या ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरले भी ठीक लग रहा है बट मैं यहाँ पे ऐड रखूँगा। एंड बाकी इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लग रही तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ से कम। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली जो है यहाँ से ऐड फोटो में एक बार हो जाएंगे। एंड यहाँ से ऐड करेंगे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, जिससे कि हम यहाँ पे बनाएंगे शेडोज़। सो इसको हम ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम इसका साइज़ कर लेंगे इंक्रीज। एंड इंक्रीज करने के बाद आपको उसको मूव डाउन कर देना, रेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना, ब्रश को लेना है साइज इंक्रीज करके। एंड आपको जो है पैर को नीचे शेडो बनानी है कुछ इस टाइप से। ठीक है, एंड अगर शेडो बनाने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप लोग को जैसा तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप शेडो बना सकते हो। ठीक है, तो बाकी आपको जो इसकी ओपेसिटी हमें थोड़ी सी कम रखनी है। देन उसके बाद आपको अपनी फोटो कर देना है डन। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप डोजन वन वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं अभी आपको नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं इसको सेव करके लेके चलता हूँ स्लाइडर मैप में। एंड लाइटर मैप में ले जाने के बाद आपको सबसे पहले स्लाइड वाले ऑप्शन में जाना है, आपको यहाँ पे पहले कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करना है, हाईलाइट को जो इंक्रीज़ करना है, एंड शेडो को इंक्रीज़ करना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको ब्लैक, इसको कम कर देना है। फिर इसका जो वाइट है इसको इंक्रीज़ कर देना है। फिर जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है और जो टेम्परेचर है इसको कम कर देना है। ठीक है, फिर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर लेना है, इसका जो ल्यूमिनस है आपको इसको बढ़ाना है पहले। एंड उसके बाद येलो कलर लेना है, इसका ह्यू आपको चेंज कर देना है। एंड उसके बाद आपको डार्क ब्लू में जाना है, इसका जो सैचुरेशन है बिल्कुल माइनस कर देना है क्योंकि हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए। तो हम चलेंगे यहाँ से नीचे इफेक्ट वाले टूल में, यहाँ पे हम फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड इसमें विग्नेट डाल देंगे फोटो के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम फीदर को इंक्रीज़ कर देंगे। एंड उसके बाद चले जाएंगे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद शार्पनेस बढ़ाएंगे। एंड फाइनली हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।